अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जॉब सेंटर एंड जीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी वज़ारते तालीम की तरफ से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोलने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से मुतल्लक वज़ारते तालीम का अहम फैसला सामने आया है। स्कूल कॉलेज को मरहलावार खोल कर छोटी क्लासेस को बाद में बुलाने के बारे में भी फैसले किए गए हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वफाकी हुकूमत का मुल्क में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने से मुतल्लक अहम फैसला। वफाकी वज़ारत तालीम ने ट्रायल बुनियादों पर स्कूल खोलने पर सूबों से तजावीज़ तलब कर ली। माहरीन तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाए और छोटी क्लासों को सितंबर में बहाल किया जाए। वफाकी वज़ारत तालीम के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद उमैर जवेद की जानब से नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों को ट्रायल बुनियादों पर खोलने का प्लान बनाया गया है जिसके लिए वफाक ने 2 जुलाई को बैनल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली, जिसमें स्कूल खोलने या मजीद बंद रखने से मुतलक मामला ज़ेरे बहस लाया जाएगा। वज़ारत तालीम ने कहा है कि तमाम सूबे तालीमी इदारे खोलने से मुतलक तजावीज़ और मकम्मल प्लान 23 जून तक भिजवाएं, यानी 23 जून को तमाम जो सूबे हैं वो ये प्लान भिजवाएंगे कि अगर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं तो हमारे पास वबा से महफूज रखने के लिए क्या प्लान है। वज़ारत तालीम ने कहा है कि तलबा और असाज़ा को वबा से महफूज रखने के हवाले से तमाम इकदाम को प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा। HEC वफाकी निज़ामत तालीमात समेत मुतलका हुकाम से तजावीज़ तलब की गई हैं। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी राबता कमेटी को सिफारिशें भिजवाई जाएंगी। ज़राए का कहना है कि कौमी राबता कमेटी तालीमी इदारों को खोलने या मजीद बंद रखने का हतमी फैसला करेगी, यानी ये वफाकी वज़ारत तालीम की तरफ से तैयारियाँ हो रही हैं। ये कोई प्लान बना के कौमी राबता कमेटी को भेजेंगे। अगर कौमी राबता कमेटी ने तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दे दी तो फिर जो है वो तालीमी इदारे खोल लिए जाएंगे। अगर कौमी राबता कमेटी ने ये इजाज़त नहीं दी तो फिर मजीद जो है वो तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रखे जाएंगे। वबा के पीक अगस्त के पहले हफ्ते तक बताया गया है तो तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। पीक के बाद पहले अगस्त के वस्त में यूनिवर्सिटियों को खोला जाएगा, जबकि सितंबर में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जाए ताकि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। प्लान के मुताबिक जो है वो अगस्त के मिड के बाद जो है वो यूनिवर्सिटियाँ ओपन होंगी, क्योंकि अगस्त में जो है वो वबा का पीक होगा। उसके बाद पहले यूनिवर्सिटियाँ, उसके बाद जो है वो कॉलेजेस खोले जाएंगे और उसके सबसे एंड पे जो है वो स्कूल जाएंगे। और स्कूल में जो है वो बड़ी क्लासेस को पहले खोला जाएगा और छोटी क्लासेस के बच्चे जो है उनको सबसे एंड पे बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आस्ता आस्ता जो है वो प्लान के मुताबिक तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन अभी ये मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो तमाम तजावीज़ जो है वो कौमी राबता कमेटी को भेजी जाएंगी। अगर तो कौमी राबता कमेटी ने ये तजावीज़ मान ली तो फिर जो है वो कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। तो अभी अगर देखा जाए तो अगस्त के मिड तक जो है वो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा। अभी सिर्फ जो है वो तैयारियां हो रही हैं और तजावीज़ जो है वो पेश की जा रही हैं ताकि इस वबा से कैसे बच कर तालीमी इदारे जो हैं वो खोले जाएं। तो इस हवाले से जो भी आगे फर्दर न्यूज़ आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।